तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवंगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोटो। आज के वीडियो में बात करेंगे यार कोटेशन एंड साइटेशन के बारे में, जो हम लोग अपने एचटीएमएल पेज पे यूज कर सकते हैं। लाइक हमको अगर कोई चीज बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव बनानी है, एक अलग तरीके से वे में लिखना है, तो उसके लिए हम कोटेशन और साइटेशन का यूज कर रहे होते हैं। इसके पहले भी हमने अलग अलग टाइप से फॉर्मेटिंग के बारे में देखा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे। अगर आपने जो लास्ट का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप जाके प्रीवियस जितने सारे वीडियो है आप वहां से देख सकते हो। तो पहले आप वो देख लेना, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार न्यूटन स्कूल के एक कॉन्टेस्ट का हम बात कर लेते हैं, जो 27 अगस्त को इसी महीने में होने वाला है। तो उसी कॉन्टेस्ट के डिटेल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यार बात करते हैं न्यूटन स्कूल के जो प्राइस है उसके बारे में। तो न्यूटन स्कूल का जो प्राइस है वो कैश प्राइस और गिफ्ट प्राइस को मिला के टोटल 5 लाख रुपीज का है। तो अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप यहाँ से प्राइस जीत सकते हो। और बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसका रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ही फ्री है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मैं भी वीडियो में थोड़ी देर बता देता हूँ। एंड देन अगर मैं बात करूँ इसमें रजिस्ट्रेशन करने में आपका क्या फायदा है, तो रजिस्ट्रेशन करने से यार आपको बेनिफिट मिल सकता है कि न्यूटन स्कूल की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्लेसमेंट का या इंटर्नशिप का। तो आपको एक बार प्लीज रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करूं तो ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत ही अच्छा है और बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप पहले कभी कॉन्टेस्ट नहीं दिए हो ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कॉन्टेस्ट देने का, क्योंकि कॉन्टेस्ट देने से जो आपकी स्किल्स होती है वो सारी चीजें इंप्रूव होती है। तो अगर आप एक बिगनर हो, आपने पहले कभी कोड नहीं किया है, तो आप यहाँ पर एक बार वोट कर सकते हो 27 अगस्त को जो कॉन्टेस्ट होने वाला है उस पर। और आपके लिए एक चीज और अच्छी बात है कि अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो न्यूटन स्कूल की तरफ से आप प्राइजेस जीत सकते हो, क्योंकि न्यूटन स्कूल जो है 1000 रैंडम जो पार्टिसिपेंट है उनको सेलेक्ट करके अपनी तरफ से जो है गुडीज और प्राइजेस देने वाला है। और अगर गुडीज के बारे में बात करें कि न्यूटन स्कूल की तरफ से गुडीज क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है जो अमेजोन इको है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो कीबोर्ड है, एंड अगर थर्ड जो बोले तो होमपॉड मिनी है, जो आप जीत सकते हो अगर आप न्यूटन स्कूल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो न्यूटन स्कूल की तरफ से आप ये चीजें सारी जीत सकते हो। और अगर स्पेशल प्राइस की बात करें न्यूटन स्कूल की तरफ से, तो वो जो है अगर आप फीमेल कोडर हो या फिर आप यंगेस्ट कोडर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो और आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आप जो है पार्टिसिपेट करके यहाँ जो प्राइजेस है वो जीत सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, है ना। और पार्टिसिपेट करने से इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, आपको कितनी सारी चीजें आती है ना, आपको किस पार्ट में इंप्रूव करना है, सारी चीजें आपको पता चल जाती है कॉन्टेस्ट देने से। तो जो 27 अगस्त को जो कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है मैं बता देता हूँ, तो चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आ जाना है, एंड देन आपको यहाँ आने के बाद आप यहाँ न्यूटन स्कूल वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ जाना है ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट पे। और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर आ रहा होगा रजिस्टर नाउ करके 6 डेज टू गो, मतलब 6 दिन जो है बचे हुए हैं, तो आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। और बाकी सारी डिटेल्स जो कॉन्टेस्ट के यहाँ पर आप आके देख सकते हो, जो आपके गुडीज हैं और जो प्राइजेस है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा, तो मेरे को यहाँ जाना है न्यूटन स्कूल जो ग्रैंड कॉन्टेस्ट इवेंट है इस पे जाके मेरे को अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करने के बाद मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल से अपना कॉलेज का नाम डालना है। लाइक मैं अपने कॉलेज का नाम डाल लेता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, मेरे को यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है नीचे, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं अपना स्ट्रीम डाल देता हूँ, मेरा स्ट्रीम है MCA, एंड मेरा पास आउट ईयर जो है ग्रेजुएशन का, यहाँ मेरे को पूछा हुआ है ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री का, तो मैं इसको 2019 कर लेता हूँ। एंड देन मैं आपको यहाँ पर बताना है कि न्यूटन स्कूल जो है, न्यूटन स्कूल जो कॉन्टेस्ट है उसको आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में, या फिर न्यूटन स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ बता सकते हो, है ना, कहाँ से पता चला न्यूटन स्कूल स्टूडेंट या बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, है ना। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यूटन स्कूल कॉन्टेस्ट, एंड मैं यहाँ सबमिट कर लेता हूँ। तो बस आपको यहाँ से सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वापस सबमिट हो जाएगा और आपको एक कॉन्ग्रेशन का मैसेज आ जाएगा, है ना। एंड देन आपको प्रोसीड कर लेना है। आप प्रोसीड करके आप देख सकते हो कि आपका जो कॉन्टेस्ट है वो 6 दिन बचा हुआ है। आप यहाँ से जब भी कॉन्टेस्ट लाइव होगा आप यहाँ से भी जा सकते हो, है ना, लाइक यहाँ से आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। तो बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना ईजी था, आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके बहुत सारे प्राइजेस भी हैं और आपके लिए ही अच्छा है अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि कॉन्टेस्ट एक अच्छी चीज होती है जो आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक था हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो कोटेशन और साइटेशन क्या चीज है यार, तो सबसे पहले हम लोग एक ही चीज को यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन लास्ट में उसको हम लोग कोड करके देख लेंगे किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं और क्या हमारे पास वो आउटकम निकल के आ रहा है अगर हम उसको यूज कर रहे होंगे तो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास अगर सबसे पहले जो चीज है वो है ब्लॉक कोड्स। ब्लॉक कोड्स क्यों यूज करते हैं, ब्लॉक कोड्स का हम लोग यूज करने का एक मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई अनदर सोर्स से कोई कोड, कोई टेक्स्ट लेके आ रहे हैं, कोई कुछ भी हम एक्स्ट्रा कहीं से लेके आ रहे हैं बाहर से, किसी अनदर वेबसाइट से या कहीं से भी, तो अगर हमको एक ब्लॉक में बना के देना है, हमको लाइक एक ब्लॉक क्रिएट करना है और उनको वहां से लिंक पास करनी है इस तरीके से, तो हम क्या चाहेंगे कि हम ब्लॉक कोड्स के लिखें।
ब्लॉक कोट्स के अंदर जैसे हम कोई टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो एक ब्लॉक बना के दे देगा जिसके अंदर एक्सटर्नल जो सोर्स के जो टेक्स्ट होंगे वहां हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा हम करके देख लेंगे इसको। फिर उसके बाद है हमारे पास क्यू टैग। ना क्यू टैग का क्या यूज है? क्यू टैग का ऐसा यूज है कि अगर हम कोई चीज लाइक आपस में लिखा हूं टैग डिफाइन शॉर्ट कोटेशन, मैं आपस कोटेशन देना चाहता हूं, मैं आपको देखा होगा कि इस तरीके से डबल कोट आ जाता है ना, ये कोट देने के लिए आपको काम आता है क्यू टैग। ठीक है, आप कोट दे सकते हो जिससे आपको डबल कोट मिल जाता है दोनों साइड आपके सेंटेंस के जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का यूज क्या होता है? लाइक अगर हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं एचटीएमएल को, एचटीएमएल को बोलते हैं पहले फुल फॉर्म अगर देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं एचटीएमएल। अगर सीएसएस की बात करें तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल से हम उस सीएसएस बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एचटीएमएल पेज पे कहीं भी कोई भी हम कंटेंट दे रहे हैं लेकिन हम उसको फुल नेम नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसको शॉर्ट नेम दे सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एब्रीवेशन। लाइक मैंने यहाँ पर दिया कि सीएसएस दिया, एंड जब सीएसएस पे मैं आवर कर रहा हूँ या सीएसएस पे मैं जा रहा हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि अच्छा वहां पर कोई और भी चीजें वहां पर इंक्लूड है, लाइक सीएसएस का फुल फॉर्म वहां पर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम लोग एब्रीवेशन टैग के थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस टैग का क्या यूज है? लाइक हम लोग अगर कभी भी कुछ लाइक लिख रहे हैं एड्रेस, लाइक हम लोग अपने वेबसाइट में अपने अपना जो ब्रांच होता है अपना जो ऑफिस होता है वहां का एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस जो होता है उसका तो फॉन्ट उसका जो फॉर्मेटिंग होता है थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है एड्रेस टैग के? तो अगर आप एड्रेस टैग का यूज करोगे तो थोड़ा सा उसका जो स्टाइलिंग है फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाती है। कैसे होता है हम लोग करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड लास्ट में क्या है साइट है। साइट मतलब क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, बेसिक सा टैग है जो आपको जनरली यूज करना है। क्यों यूज करोगे आप? लाइक अगर आपने कहीं कोई कोड लिखा हुआ या कोई भी चीजें लिखी आप उसको चाहते हो थोड़ा सा एम्फेसाइज करना, थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्मेटिंग करना सिर्फ स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक वर्ड को या फिर स्पेसिफिक लाइन को, तो आप वहाँ साइड टैग का यूज कर सकते हो। जिस तरीके से आप क्यू टैग का यूज करते हो तो सिमिलरली कोट हो जाता है। एंड साइड टैग भी आपको क्या करता है, आप लाइक आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड लिख सकते हो आप रिटर्न बाय दिस करके, तो आप जिनका नाम लिख रहे हो उनको साइड में लिख सकते हो, तो थोड़ा सा और मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग साइड का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस बार की सबको कैसे एक एक बार यूज करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बाकी चीजों को यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे। तो ये इसको यूज करना बहुत ही आसान है यार। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ब्लॉक कोड्स लिखा था। तो मैं अगर चाहता हूँ ब्लॉक कोड्स लिखने के लिए तो सबसे पहले मैं सबको एक बार कोड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब चीजों को कोट करके लिख लिया, लाइक मैंने यहाँ ब्लॉक कोट्स और बाकी सारी चीज ली। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीजें। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा ब्लॉक कोट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट कहीं बाहर से आया तो मैंने इसको ब्लॉक कोट्स में लिख लिया। ठीक है, तो आपको ब्लॉक कोट्स में लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको साइड में स्पेस मिल गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर साइड में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एक ब्लॉक जैसा यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करूँ मैं कोटेशन टैग की, तो क्यू टैग का क्या यूज है? तो क्यू टैग का मैंने लिखा दिस इज द बेस्ट प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कोट में आ चुका है। ठीक है, डबल कोट्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली मैंने यूज किया था क्या जेएस, है ना, यहाँ हमको दिख रहा होगा, जूम कर लेता हूँ मैं आपको दिख जाएगा। मैंने इसके हवर किया तो यहाँ पर जेएस, ये क्या है एब्रीवेशन, मैंने आपको एब्रीवेशन के लिए आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, डॉट मैं आपको डैश दिख रहा होगा, इसका मतलब यह है कि मैंने इसको एब्रीवेट कर दिया किसी और नाम से। लाइक यहाँ पर जेएस को अगर मैं करता हूँ हवर तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिल रहा होगा। इसका मैं अगर कोड की बात करूँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कोड इस तरीके से कि मैंने एब्रीवेशन का यूज किया एंड टाइटल में मैंने डाल दिया जावास्क्रिप्ट, है ना, लेकिन हमने टाइटल टैग पहले भी पढ़ा हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन मैंने लिखा जेएस, तो ये किस तरीके का बिहेव कर रहा है, लाइक एब्रीवेशन टाइप से। ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट बात करूँ तो मैंने लिखा हुआ एक एड्रेस, इसको मैंने सिंपल एक एड्रेस टैग के अंदर डाला है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखने में और एक एड्रेस टैग के अंदर लिखने में किस तरीके का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में जो था साइट था, मैंने क्या कि एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा डिव के अंदर, है ना, दिस इज ए वेरी गुड प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय करके, एंड जो श्रीकांत देवांगन लिखा हुआ है इसको मैंने साइड टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ठीक है, तो किसके जगह किसके कारण पॉसिबल हो चुका है साइड टैग के कारण। मैं कोड देख सके तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने लिखा दिस इज ए वेरी गुड प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय श्रीकांत देवांगन, तो साइड टैग के अंदर लिखा तो यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन के आ गया। बस इतना ही था, है ना, आज के वीडियो में तो आपको देखने मिला होगा कि अलग अलग टैग के हम जो फॉर्मेटिंग है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मेटिंग है बेसिक एचटीएमएल का वो खत्म होता है। आने वाले टाइम में लोग सीएसएस के थ्रू और अच्छे अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करके देखेंगे एंड बाकी चीज को मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हम कौन सी चीजों को और कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। और आपका अगर कोई कमेंट हो या कोई डाउट हो रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, है ना, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है आप दोनों साथ में मिलकर डिस्कस कर सकते हो, तो आपका बेनिफिट होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ पढ़ो। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।